typical vessel of diameter 14 cm and height 24 inches symmetrically in shadow. Thinner vessel of diameter 6 cm but height 42. The total insulation vessel is filled with cork dust. Forget insulation process. So how many cubic centimeter of cork dust will be required? Okay. Cylindrical vessel. किसके अंदर फिक्स है? एक इंसाइड इज सेम सिलेंड्रिकल वेसल, ऐसा कुछ है। ओके, और इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? जो इसके बीच में स्पेसिंग दी गई है, इसी के बीच में हमें क्या निकालना है? तो जो पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर आर वन माइनस आर टू आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर इंटू एच। तो ये हो जाएगा हमारे 8 × 2/7 इंटू, ये हो जाएगा हमारे 8 × 2/7 इंटू आर टू। आर टू की वैल्यू कितनी है? आर टू की वैल्यू हो जाएगी 8 × 8 − 7 2 हो जाएगी 64 − 49 इंटू एच। एच की वैल्यू हो जाएगी 42। तो हो जाएगा 2/7 × 15 × 42। ठीक है, ये हो जाएगा 6 का, ये हो जाएगा 25 × 15 × 6, ये हो जाएगा 1980। क्या हो जाएगा? 1980। तो हो जाएगा ये 1980। ये हमारा क्या हो गया? इसके बीच में ये एरिया हो गया। अब बात करते हैं हम इसके किसके बारे में बात की गई, जो कॉर्क डस्ट में रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे तो ये हमें यही हमारा क्या होगा कॉर्क डस्ट में क्या होगा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो 61 तक ही कंप्लीट आ सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट ऑफ द वीडियो नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करते हैं। ओके।